आज आपके भाई के पास है इंडिवर फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी, तो आज आपको मैं बताऊंगा कि इंडिवर फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी को कैसे ड्राइव किया जाता है। और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं मर्सिडीज़, रेंज रोवर, जगुआर जितने भी इम्पोर्टेंट गाड़ियां हैं उस सब के बारे में आपको हमेशा वन बाई वन बताता रहूँगा। तो आज तो मेरे पास इंडिवर फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी है और उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको ऑटोमेटिक गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए और ऑटोमेटिक गाड़ी को ड्राइव करने के लिए कौन कौन से सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको अंदर डोर खोल के अंदर घुसता हूं और यहां पे अंदर का सब कुछ सिस्टम वन बाय वन समझाता हूं। सबसे पहले अगर आपके हाथ में चाबी है, एक्चुअली चाबी अंदर है, मैं चाबी ले लेता हूं। यहां पे मेरा इंडिवर का चाबी किधर है, मैं यहां पे इंडिवर का चाबी ले लिया। तो आप देख सकते हैं ये इंडिवर की है और यहाँ पे 2x लिखा है। यहाँ पे डबल टैप करेंगे तो टेल गेट ओपन होता है, लॉक बटन है, अनलॉक बटन है, तो आप देख सकते हैं। और एक बार मैं गाड़ी बंद करके आपको दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से। और यहाँ पे एक सेंसर रहता है, अगर आपके पास चाबी है जेब में और आप इस सेंसर को पुश करेंगे तो लॉक हो गई गाड़ी। अनलॉक करने के लिए भी सेम प्रक्रिया, यहाँ पर एक बार पुश करिए और आप खाली यहाँ पर हैंड टच करेंगे तो गाड़ी अनलॉक होती है। तो लॉक अनलॉक तो मेन है, क्योंकि लॉक अनलॉक अगर आपके हाथ में चाबी आई है और आप सीधा चाबी से ही लॉक अनलॉक कर रहे हैं तो सामने वाला बंदा क्या समझेगा कि इसको एक्सपीरियंस नहीं है। तो प्रोफेशनली क्या होता है कि जो भी आज के डेट में गाड़ियां हैं उनको चाबी से अनलॉक लॉक अनलॉक नहीं करना पड़ता। आप प्रोफेशनली खाली एक अपने हैंड अपने जेब में डाल लीजिए चाबी और उसके बाद आप अपने हाथ से ही ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पीछे से दिखाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए फोर्ड गाड़ी है, अगर आप इसके पैर के नीचे यहाँ पे डिग्गी है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ऐसे पैर करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिग्गी ओपन होता है, देखिए टेल गेट खुल गया। और सेम प्रक्रिया अगर आप यहाँ पर एक बार पैर से नीचे ऐसे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे टेल गेट बंद होता है। अभी देखिए टेल गेट बंद हो रहा है, ये आपका टेल गेट हो गया बंद, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद मैं एक बार आपको चारों तरफ से गाड़ी दिखा देता हूँ। ये इंडिवर गाड़ी है और इसका जो टायर नंबर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका इंडिवर का टायर नंबर जो है 265/60R18 जो कि आपको मालूम रहना चाहिए। और एक बार आपको चारों तरफ से गाड़ी दिखा देता हूँ। ये न्यू इंडिवर है, नई वाली एकदम लेटेस्ट वाली इंडिवर है, BS6 है, 4x4 फोर व्हील ड्राइव है। और अब बारी आती है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना टाइम पास कर रहा है यार, तो टाइम पास नहीं, नॉलेज ही दे रहा हूँ आपको, नॉलेज लेना चाहिए। चलिए अंदर चलते हैं। ये डोर खोला मैं और मैं यहाँ से अंदर आया। तो अंदर आने से पहले, बैठने से पहले, सबसे पहले आपको सीट एडजस्टमेंट के बारे में बताता हूँ। कुछ नहीं, इलेक्ट्रिकल सीट है, आप यहाँ पर बटन को आगे पीछे करके सीट को आगे पीछे ले सकते हैं, यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। अब मैं अंदर बैठता हूँ गाड़ी के अंदर, फिर आपको बताता हूँ। अंदर बैठा, डोर कर लिया बंद और यहाँ पे सबसे पहले देखिए लॉक अनलॉक बटन दिया हुआ है। ये आपका लॉक बटन है, अनलॉक बटन है, इसको गाड़ी चलती है जब 20 क्रॉस होती है तो ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाता है, सॉरी लॉक हो जाता है। अनलॉक करने के लिए आपको बटन ही पुश करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका आ जाता है विंडो कंट्रोलिंग बटन, यहाँ पे आपका है विंडो लॉकिंग बटन और स्टेयरिंग के अंदर भी कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले आपको मैं गाड़ी स्टार्ट करके नहीं बताऊँगा, पहले मैं आपको अंदर से पूरा सिस्टम बताऊँगा। यहाँ पे ये जो दो देख सकते हैं आप, ये मिरर फोल्डिंग बटन है। अभी अगर मैं इस बटन को पुश करूँगा तो आप मिरर देख सकते हैं बाहर है, अगर बटन को पुश किया तो देख लीजिए मिरर फोल्ड हो गया और फिर मैं अनफोल्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब आप गाड़ी को ऑफ करेंगे तो
गाड़ी को दरवाजा खोलेंगे तो पावर निकल जाएगा पूरा, उसके बाद जब गाड़ी को चालू करेंगे तो आपको एक फोर्ड का लोगो आता है। यहाँ पे आपको सेल्फ बटन दिया गया है और ये आपकी एसी का कंट्रोल सिस्टम है। एसी कंट्रोल सिस्टम, आपको ज़्यादा गर्मी हो रही है तो मैक्स एसी। यहाँ पे इन्वायरमेंट अंदर का अंदर ही रहेगा, आपको बाहर का गंदी हवा और बाहर के इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो थोड़ी देर के लिए एसी करते हैं बंद, थोड़ा गर्म हो रहा है तो कर लेते हैं एक पॉइंट चालू। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है आपका म्यूजिक कंट्रोलिंग बटन। यहाँ पे करेंगे तो म्यूजिक चालू होता है, यहाँ से ऑफ होता है। ये आपके सीडी, अगर आपके पास आप सीडी यूज करते हैं, मुझे तो नहीं लगता आज की डेट में कोई सीडी यूज करता रहेगा, तो उसके लिए है। जैसे बटन को पुश करूँगा तो यहाँ पे देखिए नो डिस्क लिख के आया। और यहाँ से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप चैनल नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। और ये जो स्टीयरिंग में जो ये सिस्टम दिया है, यहाँ से आप अपने गाड़ी का व्हीकल का इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। जैसे आप ऊपर की टाइप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा कि आपकी व्हीकल नॉर्मल मोड में है कि फुल एक्सेस मोड पे है। जैसे जैसे आप करेंगे तो ऑफ रोड के लिए अलाइनमेंट दिखाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको RPM, फ्यूल सब कुछ दिखा रहा है। और यहाँ पे आपको फ्यूल दिखाएगा ओनली और RPM दिखाएगा। यहाँ पे आपकी गाड़ी कितनी रेंज जाएगी इतने फ्यूल में वो दिखाएगा। यहाँ पे आप कितने एक घंटे कितने आपकी गाड़ी एक घंटे रनिंग हुई है तो कौन से स्पीड पे रन हुई है वो दिखाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपका गाड़ी का टायर का प्रेशर दिखाएगा। ये डिजिटल स्पीडोमीटर है, आपकी गाड़ी जितने स्पीड में जाएगी वो वहाँ पे दिखाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है सनरूफ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप ये बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो सनरूफ पूरा बाहर जाता है, देख सकते हैं आप। और फिर इस आगे वाली बटन को अगर आप फिर से पुश करेंगे तो आपका सनरूफ बंद हो जाता है। और दूसरा कवर लेने के लिए आपको यहाँ पे एक्सेस दिए गए हैं, आप इसको दबाएंगे तो फिर आपका दूसरा कवर पूरा सनरूफ कवर हो जाता है। ये मिडिल मिरर है। और बाकी तो आप लोग तो हर गाड़ी में जानते ही रहेंगे, सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ी अगर जिसने नहीं चलाया है तो कैसे चलाएं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने के लिए अगर आप लोग ने मैनुअल गाड़ी पहले चलाया है तो लेफ्ट पाओ से आप क्लच का उपयोग करते रहेंगे तो आपको भूल जाना है कि मेरे पास लेफ्ट पाओ है, लेफ्ट लेग का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं एक लाइट लगा लूं फिर आपको दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ आपको दो ही मिलता है, एक एक्सीलेटर है और ये है आपका ब्रेक, ये आपका ब्रेक है। तो जब आप इस बिना ब्रेक को प्रेस किए हुए अगर गियर डालने की कोशिश करेंगे, देखिए यहाँ पे एक लीवर दिया हुआ है, मैं आपको दिखा पाऊँ अगर, तो ये लीवर दिया हुआ है, ये लीवर है। आपको करना क्या है, सिर्फ मैं एक बार गाड़ी को ऑफ कर देता हूँ, देखिए गाड़ी को ऑफ कर दिया। और यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ ये ब्रेक पे पावर रखना है, आपका दूसरा वाला लेग ऐसे ही फोल्ड करके रख लेना है या साइड में ऐसे रख लेना है, बिल्कुल भी आपको रखने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे साइड पे आप रख सकते हैं। और उसके बाद एक्सीलेटर है और ये ब्रेक है, तो आप ब्रेक पे पावर रख के ब्रेक को प्रेस करके फिर ये पावर बटन को ऑन करेंगे, गाड़ी ऑन हो गई। अब गियर पे डालना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं PRNDS, P फॉर पार्किंग, R फॉर रिवर्स, N फॉर न्यूट्रल, D फॉर ड्राइव, S फॉर स्पोर्ट। तो आपको क्या करना है, अभी देखिए यहाँ पे जब मैं गियर डालूंगा तो वहाँ पे एक इंडिकेटर दिखाएगा कि आपकी गाड़ी कौन से गियर पे है। तो मैं एक बार फिर से गाड़ी चालू कर लेता हूँ। और गाड़ी चालू करने के बाद में मैं यहाँ पे लीवर है जो
इस लीवर को प्रेस करता हूँ ब्रेक दबा के, और फिर मैं गियर को डालता हूँ, तो यहाँ पे गाड़ी रिवर्स में आ गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आर जो है वो रेड कलर से हाईलाइट हो गया। अब मैं गाड़ी पी में डालूंगा तो पी हाईलाइट होगा, मैं गाड़ी एन पे डालूंगा तो न्यूट्रल एन हाईलाइट होगा, डी पे डालूंगा डी फोर ड्राइव तो डी हाईलाइट होगा, अगर यस पे डालूंगा तो यस हाईलाइट होगा। तो बहुत सिंपल है ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं और बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो कैसे चलाते हैं गाड़ी, सबसे पहले हम गाड़ी को डी में डालेंगे, डी में डाल दिया, आप देखिए हाईलाइट हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हैंड ब्रेक है, आप हैंड ब्रेक उठा सकते हैं, लेकिन जब मैं गाड़ी में बैठा तो हैंड ब्रेक नीचे ही था, तो पुश करके हैंड ब्रेक को नीचे डाल दीजिए। और आपको ये मोड जो है दिए जाते हैं, ये कंफर्ट मोड, ये ऑफ रोड के लिए है मोड, यहाँ पे आपको दिखाएगा, देखिए जैसे मैं यहाँ पे बटन यहाँ पे ऑपरेट करूँगा तो ये कंफर्ट मोड में आ गया, नॉर्मल मोड में आ गया। अब फिर से मैं घुमा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं स्नो मग ग्रास मोड एक्टिवेट, फिर से मैं घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे स्टैंड मोड एक्टिवेट है, फिर मैं यहाँ से घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे 4x4 मोड एक्टिवेट हो गया, लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ अभी, 4x4 इज रिक्वायर टू फर्स्ट यू टेक योर गियर इन न्यूट्रल पोजीशन, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा उसके लिए, वो बहुत थोड़ा टेक्निकल पार्ट है तो नए आदमी के लिए उतना अच्छा नहीं है, नए आदमी इतना ही जान सकते हैं कि कैसे कहाँ पे क्या सिस्टम है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है वाइफर कंट्रोलिंग, इसको आप प्रेस करेंगे अपनी तरफ तो वाटर आएगा बाहर से, और इसको आप नीचे की तरफ करेंगे तो स्पीड जितने स्पीड में आपको चाहिए नॉर्मल स्पीड में रहेगा, अगर ऊपर की तरफ करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड स्पीड थर्ड देखिए, और बीच मिडल में बंद हो जाएगा। और ये जो बटन है ये बैक साइड वाइपर के लिए है, बैक साइड वाइपर आपको दिखाऊं, देख सकते हैं तो देख लिए, इसके लिए है ये बटन, ये बटन उसके लिए है। और इस साइड में जो बटन है नहीं दिख पा रहा है आपको, ये इंडिकेटर कंट्रोलिंग के लिए, देखिए आपको वहाँ दिख रहा रहेगा, और लाइट के लिए है, लाइट के लिए है, आपको देखिए मैं लाइट मार के दिखा रहा हूँ, देखिए सामने गाड़ी पे आपकी लाइट जा रहा है। तो अब मैं आपको इसको थोड़ा चला के बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है। अभी मैंने ब्रेक दबाया और पुश किया, गाड़ी को डी पे डाला, आप देख सकते हैं डी हाईलाइट हो गया। अब मैं गाड़ी को चलाना स्टार्ट करूँगा, ब्रेक को छोड़ा गाड़ी चली, अब मैं चला रहा हूँ गाड़ी को, देखिए 3 की स्पीड में गाड़ी है, अब देखिए मैं अब देख सकते हैं मेरा सिर्फ एक ही लेग यूज कर रहा हूँ, दूसरा लेग मेरा बाजू में है, दूसरे लेग को मैं बिल्कुल यूज नहीं कर रहा हूँ। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो रास्ता बंद है, दूसरे रास्ते से घूम के जाना पड़ेगा। तो गाड़ी को एक बार रिवर्स ले लेते हैं, आर पे डाला, देख सकते हैं यहाँ पे मैं रिवर्स ले रहा हूँ, रिवर्स आपको फुल सेंसर यहाँ पे कैमरा है आपको दिखाता है, तो आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मिरर में भी देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से देख के भी आप जजमेंट ले सकते हैं, आपको फुल दिखाता है यहाँ पे कि कैसे आप ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे रिवर्स भी लेके, देख रहे हैं गाड़ी रिवर्स जा रही है, आपको पूरा गाइडेंस यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे रिवर्स सेंसर भी है। लाइट बंद कर देता हूँ, यहाँ पे आपके लिए लाइट है, यहाँ से जो जो याद आ रहा है मैं बताते चल रहा हूँ, यहाँ से आप लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो, देखिए ऑन ऑफ कर सकते हो, एक लाइट या डबल लाइट, सिंगल लाइट के लिए है, एक दबाएंगे तो दोनों साइड की लाइट चालू होगी भी ये भी। तो मैं गाड़ी को पहले रिवर्स लेता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा हो सके तो बाहर निकाल के चला के दिखाता हूँ।
तो मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ अभी। वैसे मुझे बहुत अच्छी लगती है गाड़ी चलाने में। इंडीवर बहुत ही मस्त गाड़ी है, इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, पिकअप भी बहुत अच्छा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ चला के। आई होप कि आप सब समझ पा रहे होंगे। तो मैं आपको एक बार थोड़ा बाहर ले चल के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड अभी मैं थोड़ा बाहर निकल रहा हूँ, बाहर टाइम है, तो मैं जरा बाहर निकल के आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी कैसी है, कैसी चलती है, और थोड़ा अगर हो सके तो थोड़ा स्पीड में भी चला के आपको दिखाऊंगा, समझे? तो मेरे प्यारे भाइयों, कोई भी इतना कुछ खास नहीं है, मैनुअल गाड़ी से हार्ड नहीं है। मैनुअल गाड़ी का कैसा है कि वो आपको चढ़ाई में बंद पड़ती है, लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी का ऐसा नहीं है। तो चलिए मैं सामने का कैमरा सामने की तरफ घुमाता हूँ और आप सबको दिखाता हूँ कि जैसा कि मैंने कैमरा घुमा लिया और गाड़ी को मैं लेके निकल रहा हूँ बाहर की तरफ। और इसमें आगे पीछे पूरा आपको सेंसर मिल जाता है, आगे भी कैमरा पीछे भी कैमरा सब सेंसर मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको चला के दिखा रहा हूँ गाड़ी। और यहाँ पे देखिए अभी 40 स्पीड पे है, आगे ही ब्रेकर है। और गाड़ी की कंट्रोलिंग क्या है, वाह मस्त कंट्रोल हो रही है गाड़ी। और गाड़ी का पिकअप भी बहुत अच्छा पिकअप है, मैं भी चला के आपको दिखा रहा हूँ। मैं स्पीडोमीटर पे आप कैमरा फोकस किया हूँ ताकि आपको मालूम पड़ चल सके। और यहाँ पे मैं बस अब कुछ भी शिफ्ट नहीं करूंगा गियर वगैरह, सिर्फ डिफॉल्ट ड्राइव। एक बार डी में डाला तो आप चलते रहो, आगे चलते रहो, आपको यहाँ भी जाना है, जितना भी जाना है आप चलते रहो, आपको कुछ भी करना नहीं है। स्पोर्ट गियर पे भी मैं आपको चला के दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूरा ड्राइव करके दिखा रहा हूँ कि कैसे गाड़ी ड्राइव होती है। सिर्फ मैंने एक ही गियर डाला है डी, और क्या टर्निंग है। एक्चुअली मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आपको इस तरह का आवाज आएगा। अभी मैं यहां से लेता हूं गाड़ी को यूटर्न, एक लेता हूं लंबा यूटर्न, इंडिकेटर दिया और यहां पे मैं ले लिया यूटर्न। तो देख सकते हैं आप, एक्चुअली यहाँ पे स्पीड लिमिट है, इसके लिए मैं ज़्यादा भागा नहीं सकता हूँ। कभी ऐसा मौका मिला कि कहीं मैं एक्सप्रेसवे पे या कहीं भी हाईवे पे अगर आपको चला के दिखाने का मौका मिला तो वहाँ पे ज़रूर मैं इसका स्पीड टेस्ट कराऊंगा। बट क्या है कि अभी के लिए मैं लोकल रोड पे देखिए एक ही सेकेंड में कितनी गाड़ी जा रही है, 70 की स्पीड में गई सिर्फ लोकल में ही। मतलब 5 सेकेंड में आप 100 के स्पीड में इस गाड़ी को ले सकते हैं, और गाड़ी खूब आराम से 5 सेकंड में 100 का स्पीड क्रॉस करती है। आपके चलाने के ऊपर है, आपके कंट्रोलिंग के ऊपर है। तो ओवरऑल मैं आपको सब कुछ बता दिया इसके गाड़ी के सिस्टम के बारे में, जो एक नॉर्मल ड्राइविंग में मालूम रहना चाहिए कि आपको गियर कैसा डालना है, आपका इंडिकेटर किधर है, आपका हेडलाइट किधर है। तो हेडलाइट आपको मैं दिखाया नहीं, हेडलाइट यहाँ पे है, ये ऑटो हेडलाइट है, अभी मैं जीरो पे रखा हूँ। अगर इस तरह से घुमा के पूरा फुल कर दूँ और ये ऑटो पे आ गया जाए तो आपको कभी लाइट भी ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप टाइम के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो यह कुछ है गाड़ी का परफॉर्मेंस। और इंडीवर गाड़ी तो मुझे चलाने के लिए बहुत ही मज़ा आती है। अब मैं फॉर्चुनर का भी आपको रिव्यू दूंगा, रिव्यू तो नहीं है, सिर्फ मैं ड्राइविंग के
ड्राइविंग चला के आपको बता रहा हूँ, रिव्यू फुल रिव्यू मैं बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो गाड़ी को कैसे चलाते हैं आपको मैंने बताया, आपको आशा करता हूँ कि आपको चलाने के लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप आराम से चला सकते हैं गाड़ी, अगर आप गाड़ी चलाते रहेंगे तो। नहीं तो आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो आप नहीं चला सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं लेके जा रहा हूँ गाड़ी। और थोड़ा बारिश भी है, वापस मैं एक यू टर्न लेता हूँ, सर्कल से यू टर्न लिया मैंने। तो आप लोग वीडियो में मुझे बताइएगा कि मुझसे कुछ रह गया, क्या बताऊं मैं, और कुछ आप लोगों को मुझसे जानना है वो सब चीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं क्या करता हूं फ़िलहाल, पहले क्या करता था और अभी क्या कर रहा हूं, ये सब अगर आप जानने के इच्छुक रहेंगे तो मुझसे ज़रूर कमेंट करके पूछें, मैं आपके सवालों का ज़रूर जवाब दूंगा। मैं फ्रेंड पहले आपको बताऊं कि काफ़ी साल तक ड्राइविंग किया, ड्राइविंग करने के बाद मैं अपनी मेहनत से सीख के आज जो पोजीशन पे आया हूँ सब आप लोगों के प्यार की वजह से आया हूँ। और कभी भी मैं किसी के साथ बुरा करने को नहीं सोचता था, इसकी वजह से आज मैं यहाँ तक आया हूँ। तो आप लोग भी अगर इच्छुक है कि आप ड्राइविंग करके और आप कुछ कमा सके ताकि अपने फैमिली को और इन्जॉय से रख सके, तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट करके पूछिए, मैं आपका ज़रूर 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 हेल्प करूँगा।